हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी ट्रिक पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपकी फ्रेंड विश्वजीत। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे जहां पे आपको हर नंबर 50 रुपीज करके मिलेगा। जी हां, वो भी पेटीएम की तरफ से। आपका जितने भी सारे मतलब कि पुराना पेटीएम नंबर है, मतलब कि जो पेटीएम अकाउंट आप पिछला 3-4 महीने से यूज नहीं कर रहे हो, वो सारे के सारे नंबर पर आपको मिल सकता है 50 रुपीज़ करके फ्री में रिचार्ज। आप कोई भी नंबर पर रिचार्ज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको उसी नंबर पर रिचार्ज करना चाहिए। आप कोई भी नंबर पर रिचार्ज कर सकते हो, और जितना भी सारे न्यू नंबर जहां पे आप पेटीएम अभी तक रजिस्टर ही नहीं किए हैं, वो सभी के सभी नंबर पर आपको 50 रुपीज़ करके रिचार्ज मिलेगा। लेकिन उस वीडियो पर जाने के पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा कि मेरा जो चैनल पर गिव अवे चल रहा था, तो उस गिव अवे पर क्या हुआ था कि कम से कम 275 लोगों ने कॉमेंट किया था, तो उनमें से मैंने 105 लोगों को अभी तक पेमेंट दे पाया, लेकिन कि बहुत सारे लोगों को पेमेंट नहीं दे पाया। तो इसलिए वहाँ पर पेमेंट देना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसी वजह से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर और किसी को भी पेमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे हर एक वीडियो पे कॉन्टेस्ट चलेगा, तो आपको इस वीडियो से शुरू होता है कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट क्या है कि आपको लाइक कॉमेंट और शेयर करना होगा वीडियो, और कॉमेंट जो करना है वो आपका दिल से कमेंट करना है। मतलब आप देखिए, पॉजिटिव मेंटेलिटी से आपको कॉमेंट करना है, ऐसा नहीं है आपका अगर ये वीडियो बुरा भी लगता है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि हाँ वीडियो बुरा हो रहा है। तो आप जो भी मतलब कि लिखेंगे वो आपको सच्चे दिल से लिखना चाहिए। तो जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसको मिल जाएगा 10 रुपये का पेटीएम कैश, वो भी आपको लाइव पेमेंट करके दिखाऊंगा, मतलब कि लाइव हर एक वीडियो की स्टार्टिंग पे पेमेंट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है पेटीएम। तो पेटीएम लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक भी पेटीएम का अनरजिस्टर्ड नंबर शायद नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि पेटीएम का हर रोज़ कोई ना कोई न्यू ऑफर आता है, और हम सभी ने पेटीएम पे कोई ना कोई नंबर को ऑलरेडी रजिस्टर करके रखते हैं। तो देखिए, ऐसे में हमारे पास और बहुत कम नंबर आते हैं जो नंबर पर हमारा अभी तक पेटीएम नंबर नहीं है। तो आपको एक बात बता दूँ कि हम मेरे पास जैसे कि अभी 30 सिम है, 30 सिम कार्ड है, तो 30 सिम कार्ड में से मेरा हर रोज़ 30 सिम कार्ड यूज नहीं होता है। मेरा कम से कम 3 से 5 अकाउंट है जो हर रोज़ यूज होता है, लेकिन बाकी के अकाउंट मेरा मतलब कि वर्क नहीं करता हूँ, उस अकाउंट पे मैं काम नहीं करता हूँ। तो वो जो अकाउंट 3-4 महीना मतलब कि वर्क नहीं हुआ, तो उस अकाउंट को आप अगर दोबारा यहाँ पर रजिस्टर करोगे, जी हाँ रजिस्टर करना होगा, आप दोबारा रजिस्टर कीजिए तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा, जहाँ पर आपको बोला जाएगा कि हाँ आपका कोई पहला मतलब कि अकाउंट थे, तो वहाँ पर दोनों ऑप्शन आता है कि येस आई क्रिएट अकाउंट, और नीचे में है कि आई डोंट क्रिएट अकाउंट, तो ऐसे करके कुछ होगा, तो आई डोंट पे ही क्लिक करना है आपको। तो ऐसे करके जब भी आप अकाउंट बना लेंगे तो आपका ये बिल्कुल भी फ्रेश और न्यू अकाउंट हो जाएगा। जैसे कि ये जो मेरा अकाउंट है, ये मेरा पुराना अकाउंट है, लेकिन इसको मैं न्यू अकाउंट बना लिया। और बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको मिनी केवाईसी करना है। तो मिनी केवाईसी कैसे करेंगे, अब जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा केवाईसी का, तो वहां पे एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस की जगह आप कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी ABCD करके कुछ भी डाल दीजिए, और अपना नाम भी कुछ भी डाल के सबमिट कर दीजिए, आपका जो है मिनी केवाईसी कन्फर्म हो जाएगा। तो मिनी केवाईसी का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिनी केवाईसी का मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है वो किसी भी तरह का पेमेंट रिसीव कर सकता है, लेकिन किसी को पैसा सेंड नहीं कर सकता। तो रिसीव करेगा लेकिन सेंड नहीं कर पाएगा, तो इस ऐसे मतलब कि इस पे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी अकाउंट से यहाँ पे 50 रुपीज लेके फ्री में 50 रुपीज रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो जो कैशबैक 50 रुपीज हम सेंड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक है, आपके पास तो पता ही होगा कि पेटीएम का QR कोड कैसे निकलता है। तो आपका जो भी KYC का हो अकाउंट है, फुल KYC का अकाउंट है, उस अकाउंट का QR कोड ले लीजिए, और QR कोड लेने के बाद यहाँ पर पे पे जाइए, और पे पे जाने के बाद QR कोड स्कैन करके आपको कैसा पैसा सेंड करना होगा वो तो आपको पता ही है। सो मैं यहाँ पे और ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, तो आपको ऑफर क्या है ऑफर पे सीधे ले चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल प्रीपेड है, तो सिंपली आपको जाना पड़ेगा मोबाइल प्रीपेड पे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। तो जो मोबाइल नंबर आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि ऐसा पहले क्या होता था कि आप सिर्फ उसी नंबर को रिचार्ज कर पा रहे थे जो नंबर पेटीएम से कभी भी रिचार्ज नहीं हुआ था, लेकिन अभी आप यहाँ पर कोई भी नंबर डाल सकते हो, ओल्ड पूरा मतलब कि ओल्ड न्यू कोई भी नंबर डाल के यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हो। तो चलिए ऐसे कोई ओल्ड नंबर पर मैं रिचार्ज करूँगा, तो यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना नंबर डाल देना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑपरेटर चूज करना है, और यहाँ पर अमाउंट देना है। तो अमाउंट देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए पोसेट टू रिचार्ज करना है, ना ही आपको फास्ट फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। आपको फास्ट फॉरवर्ड पे कभी भी क्लिक नहीं करना है, अगर करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे 3 प्रोमो कोड चल रहा है, मतलब कि बहुत बढ़िया बढ़िया 3 प्रोमो कोड चल रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए एक एक करके मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भी मतलब कि आप सब्र रखिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोमो कोड दिखाऊंगा ये तीनों प्रोमो कोड आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सो सबसे पहले जो प्रोमो कोड चल रहा है वो है CD Fast, देखिए CDFIRST, देखिए CD Fast। तो CD Fast को आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपका देखिए अप्लाई हो गया। तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो फैसिलिटी मिलेगा, देखिए CD Fast हैज़ अप्लाइड
देखिए, ₹50 कैशबैक विल बी एडेड योर पेटीएम वॉलेट विद इन 24 आवर्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। तो क्या मिलेगा, आप ₹50 का अगर रिचार्ज करते हैं तो आपको ₹50 का कैशबैक मिल जाएगा। तो ये है एक प्रोमो कोड, तो चलिए इसको रिमूव करते हैं और चलिए दूसरा प्रोमो कोड यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो चले एक प्रोमो कोड दिखा दिया, तो चले दूसरा प्रोमो कोड। तो दूसरा प्रोमो कोड है GFIRST, तो ये आपको अप्लाई करना है। देखिए अप्लाई एस को भी करूंगा तो इस पर भी ₹50 का कैशबैक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ₹50 कैशबैक आ जाएगा क्योंकि प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है। प्रोमो कोड है ये दो प्रोमो कोड, आपका पुराना नंबर को रिचार्ज करो या फिर न्यू नंबर को रिचार्ज करो, किसी भी नंबर को रिचार्ज पे इसको अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट न्यू होना चाहिए। तो आप पुराना नंबर पे कैसे न्यू अकाउंट बनाएंगे वो तो मैंने पहले ही बता दिया। तो चले इसको सिंपली पॉसेट टू पे करके आप अगर जैसे ही रिचार्ज करोगे तो इंस्टेंटली आपको ये जो कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे टाइम कुछ प्रॉब्लम की वजह से 24 आवर्स में आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये आपको इंस्टेंटली कैशबैक दे देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज कोई ना कोई लूट ऑफर, कोई अच्छा अच्छा ट्रिक अपलोड होता रहता है। तो इसको अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वे ट्रिक आपसे मिस हो जाएगा। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।